आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, आपके साथ मैं हूं कनिका। कोई भी कपल जब माता पिता बनने का सोचते हैं तो वो एहसास ही उनके मन में हिलोरे भरने लगता है। आने वाले बच्चे को लेकर होने वाले माता पिता ढेर सारे सपने संजोने लगते हैं। माँ जैसे ही अपने बच्चे का पहली बार रोना सुनती है, उसकी आंखों में बरबस ही खुशी के आंसू छलकने लगते हैं। पैदा होते ही शिशु का रोना अच्छा भी माना जाता है और डॉक्टरों का भी ये मानना होता है कि शिशु पूरी तरह से स्वस्थ है। ऐसा ही एक सीन आपने बॉलीवुड की फिल्म ऑल इज वेल में भी देखा होगा, जब करीना कपूर की बड़ी बहन का रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस मोना सिंह कॉलेज में बच्चे को जन्म देती हैं, लेकिन बच्चा पैदा होते ही रोता नहीं है। और तब एक्टर आमिर खान और बाकी स्टूडेंट्स के ऑल इज वेल बोलने पर बच्चा लात मारता है और वो जोर जोर से रोने लगता है और वहां मौजूद सभी लोग खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन जरा सोचिए, असल जिंदगी में जब कोई बच्चा पैदा होते ही ना रोए, ना ही उसमें कोई हलचल हो, तो ऐसे में किसी भी माँ का कलेजा मुंह को आ जाएगा। कुछ ऐसा ही वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हॉस्पिटल के डॉक्टर्स एक नवजात की पीठ को जोर जोर से थपथपा रहे हैं। गौर से देखिए इस वीडियो को। डॉक्टर इस नवजात के मुंह में पंप से लिक्विड निकाल रहे हैं। एक बार फिर डॉक्टर ने बच्चे की पीठ पर जोर जोर से थपथपाया, लेकिन बच्चे में एक बार फिर कोई हलचल नहीं हुई। इस बार डॉक्टर ने बच्चे को पैरों से पकड़कर उसे उल्टा किया और फिर से उसकी पीठ पर जोर जोर से थपथपाना शुरू किया। साथ ही उसके हार्ट को हाथ के अंगूठे से पंप करना शुरू किया। लगातार डॉक्टर्स इस प्रोसेस को दोहराते जा रहे थे, इस उम्मीद में कि शायद बच्चा रोना शुरू करेगा, उसमें कोई हलचल होगी। लेकिन डॉक्टर्स की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। अब की बार डॉक्टर ने अपने हाथ से उसके सिर पर जल्दी जल्दी हाथ फिराना शुरू किया, कई बार उसके हार्ट को पंप किया, लेकिन ये कोशिश भी कामयाब नहीं हो पाई। इस बार डॉक्टर ने हाथ में पानी लिया और नवजात के पूरे शरीर पर तेजी से मालिश शुरू कर दी। इतना सब करने के बाद भी कोई मूवमेंट नहीं हुई। ऐसे में कोई भी माता पिता शायद हार मान जाए कि वो कभी अपने बच्चे के साथ एक खूबसूरत जिंदगी नहीं जी पाएंगे, लेकिन इस डॉक्टर ने हार नहीं मानी। वो लगातार कोशिश करता रहा, बिना एक सेकंड भी रुके, बिना थके। उसकी कोशिश थी तो बस यही कि किसी तरह इस बच्चे की सांस चलने लगे, उसके रोने की आवाज आ जाए। इसके साथ ही डॉक्टर ने पास खड़े हॉस्पिटल के एक स्टाफ से बच्चे को नेबुलाइजर देने को कहा। इस स्टाफ ने एक पाइप की मदद से बच्चे को नेबुलाइजर देना शुरू किया, जिससे उसकी सांस की नली में अगर कोई ब्लॉकेज है तो वो खुल जाए। इसके साथ ही वो पूरे प्रोसेस को दोहराता रहा। एक सॉफ्ट कपड़े से बच्चे का मुंह अंदर से साफ भी किया। तकरीबन 5 मिनट की जद्दोजहद के बाद बच्चे की सांस चलने लगती है, लेकिन अभी भी बच्चे ने रोना नहीं शुरू किया। वही प्रोसेस दोबारा रिपीट किया गया और कुछ ही सेकंड्स में बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। डॉक्टर की पूरी टीम को आखिरकार कामयाबी मिल ही गई और उसने एक बच्चे की जान लौटा दी। शायद इसीलिए हमारे भारत देश में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। और जिस भी डॉक्टर ने इतनी हिम्मत दिखाते हुए इस नवजात को नई जिंदगी दी है, उस डॉक्टर के जज्बे को श्रेष्ठ भारत की टीम भी सलाम करती है। इस खास खबर में बस इतना ही। खबर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार।